बस्मिल्ल रामीम सो टोडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैनल विद द नेम मेडिकल रिसर्च मेड इजी आई एम डॉक्टर ताहिर अ कंसल्टेंट सर्जन एक्चुअली ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये है कि वो हमारे डॉक्टर्स भाई जो रिसर्च के मामले में आगे आना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो सके क्योंकि मैंने जब रिसर्च स्टार्ट की और लिखना शुरू किया तो काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ा तो मैंने सोचा कि अपने सारे काम को एक जगह पे कंपाइल किया जाए सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ रिसर्च रिसर्च एक्चुअली इज नथिंग बट यू कैन से इट्स फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च इज़ टेस्टिंग रिसर्च इज़ इन्वेस्टिगेशन रिसर्च इज़ एक्सप्लोरेशन रिसर्च इज एग्जामिनेशन सो लेट एज सी दी साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ रिसर्च कि रिसर्च को साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लन कर सकते हैं रिसर्च इज बेसिकली अटिव एंड सिस्टेमिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज दफ़ नॉलेज अगर आप्फाज पर गौर करें तो एक तो ये है कि रिसर्च क्रिएटिव वर्क है डिस्ट्रक्टिव वर्क जो है डेफिनेटली वो एक नेगेटिव रिसर्च हो जाएगी जिसको हम शामिल नहीं करेंगे और दूसरा ये है कि सिस्टमिक काम होना चाहिए यानी कि जो भी आपका रिसर्च का प्रोजेक्ट है या जो आप लिख रहे हैं ये एक सिस्टम को फॉलो करेगा ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चीज़ों को लिखें और वो रूल्स या गाइडलाइंस जो हैं फॉलो ना करें आपको एक सेट पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है सो बेसिकली रिसर्च की साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो उसमें दो चीज़ें हैं एक तो क्रिएटिव काम होना चाहिए और दूसरा वो सिस्टेमिक होना चाहिए एक सिस्टम को उसको फॉलो करना है और वो सिस्टमिक तरीका या मेथड जिसको आप अडॉप्ट करते हैं टू कैरी आउट योर रिसर्च इस रिसर्च मेथडोलॉजी ये नाम आपने अक्सर सुना होगा जो लिया जाता है रिसर्च की वर्कशॉप्स के अंदर भी एंड इट्स सिंपली हाउ दैट हाउ यू हैव टू कैरी आउट योर रिसर्च सो नो लेट्स प्रोसीड टू मेडिकल रिसर्च मेडिकल रिसर्च इज़ बेसिकली रिसर्च विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल और हेल्थ इश्यूज तो जो भी मेडिकल और हेल्थ इशूज से रिलेटेड काम होगा रिसर्च में उसको हम मेडिकल रिसर्च कहेंगे तो अब हम देखते हैं कि मेडिकल स्टडी क्या है सो बेसिकली मेडिकल रिसर्च और मेडिकल स्टडी में कोई फर्क नहीं होता सब ये सवाल पैदा तो होता है कि वाई शुड आई डू रिसर्च तो रिसर्च जो है जैसा कि हम सब जानते हैं डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इट्स नीड ऑफ टाइम दुनिया सारी में अगर आप देखें तो बहुत एडवांसमेंट्स हो रही हैं रिसर्च हो रही है बहुत मेडिकल फील्ड में बहुत रिसर्च हो रही है तो हम शायद काफ़ी पीछे हैं इसमें रिसर्च में रिसर्च डॉक्टर्स की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है अगर आपने प्रमोशनस लेनी है आपने अगर आप कहीं एस हैं और ए बनना है और ए हैं तो एसोसिएट बनना है तो उसके लिए आपको रिसर्च चाहिए होगी रिसर्च आर्टिकल्स सो रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ और नो डाउट रिसर्च एक्सपैंस योर नॉलेज आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होता है जब आप रिसर्च करते हैं आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और लोगों का काम देखते हैं तो आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होता है डेफिनेटली रिसर्च स्ट्रेंथनस योर सी आपकी सी में अगर है कि आपने इतने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो पब्लिश्ड हैं तो आपकी सी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और रिसर्च आपकी सेल्फ को बहुत सेटिस्फाई करती है और नो डाउट के रिसर्च में फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं जिस तरह हम आगे जाके देखेंगे सो so आपने अगर रिसर्च का काम किया है तो नो वट नेक्स्ट वट यू हैव टू डू यू हैव टू टेल अदर्स एंड यू हैव टू गेट योर वर्क पब्लिश्ड यू हैव टू एक्नॉलेज योर सेल्फ आपको लोगों को बताना है कि आपने एक रिसर्च वर्क किया है और ये आप भेज सकते हैं अपना काम स्टडीज़ की शकल में आर्टिकल की शक्ल्स में हम देखेंगे आगे चल के कि किस किस शेप में हम अपना काम भेज सकते हैं टू मेडिकल जर्नल्स यू कैन सेंड योर वर्क टू मैगज़ीन्स टू न्यूज़पेपर्स टू बुक्स टू सोशल मीडिया जो आजकल इंटरनेट का दौर है यू कैन सेंड योर वर्क टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यू कैन सेंड इट टू रेडियो एंड यू कैन मेक पोस्टर्स ऑफ योर वर्क एंड गेट इट एक्नोलिज अब पाकिस्तान में सेवेंटी प्लस जर्नल्स हैं जो रिकग्नाइज हैं बाय पीएमडीसी। और हम आगे चल के देखेंगे कि इनकी कैटेगराइजेशन किस तरह है और साइटेशन वैल्यू इनकी कितनी है इंपैक्ट स्कोर कितना है इनका वो हम आगे चल के देखेंगे सो लेटस्ट सी समी डेफिनेशंस प्राइमरी रिसर्च क्या होती है अब प्राइमरी रिसर्च इज़ अ रिसर्च विच यू डू बाई योर सेल फ्राम द स्टार्ट यानी कि ऐसी रिसर्च जो आप ख़ुद स्टार्ट करते हैं आइदर अलोन या एज अ टीम डाटा उसका ख़ुद इकट्ठा करते हैं रॉ मटीरियल उसका ख़ुद इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एनाल करके स्टडी कम्प्लीट करके पब्लिश करते हैं उसको हम प्रायमरी रिसर्च बोलते हैं ये एक रिसर्च आर्टिकल की आप एग्जांपल देखें जिसको चौसी एच वनी को चाइनीज़ हैं जिन्होंने एक रिसर्च की है इसमें पांच ऑथर्स हैं और जो रिसर्च का टॉपिक है वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसमी वर्सेस ओपन कोलिसमी इन अल्डरली पेशेंट्स विद एक्यूट कॉलिसटाइटस ये एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी यानी कि पास्ट में की गई और ये पब्लिश हुई हॉन्ग कॉन्ग मेडिकल जर्नल टू थाउजेंड टू ईयर में दिसंबर में और इसका वॉल्यूम एट है इशू सिक्स और पेज नंबर लिखे हैं थ्री नाइन्टी फोर थ्री थ्री नाइन नाइन तो ये बेसिकली एक प्राइमरी रिसर्च है सो व्हाट इज़ दी सेकेंडरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आप खुद से कंडक्ट नहीं करते यानी कि आपने उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं किया बल्कि इट इज़ द रिसर्च वर्क डन ऑन स्टडीज़ कंडक्टेड बाई अदर्स टू फार्मूलेट अ न्यू कॉन्सेप्ट और इसकी एग्ज़ाम्पल है लाइक लिटरेचर रिव्यूज़ सिस्टमेटिक रिव्यूज़ एंड मेटा अनालस तो बेसिकली ये रिसर्च आपने ख़ुद नहीं की हुई होती फ्राम द स्टार्ट बल्कि और लोगों की रिसर्च जो पब्लिश हुई भी होती है उसी को आप पढ़ के और उसी में से आप अपना जो आपका आइडिया है और जो आपका पॉइंट है वो उसी में से आप ड्रा करते हैं रॉ मटेरियल बेसिकली आपका इकट्ठा किया हुआ नहीं होता ये एग्ज़ाम्पल है एक जिसमें कोकोलिनी एफ एट ऑल ऑथर हैं इन्होंने ओपन वर्सेस वर्सिसप्रोस्कोपिकलिसमी एक्यूट कोलिस इस पर रिसर्च की है और ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू है एंड मेटा एनालिसिस है ये क्या होते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे सो अस सी सम अदर डेफिनेशंस व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है क्वालिटेटिव और इसके अपोज़िट में क्वांटिटेटिव है तो क्वालिटेटिव रिसर्च समझने के लिए आप ये टॉपिक्स देखें कि अगर इन टॉपिक्स पर रिसर्च हो तो किस तरह का आपका डाटा इकट्ठा होगा वाई द पेशेंट्स इन टाउन ए बी सी एनी टाउन विद हिप फ्रैक्चर्स गो टू क्वैक्स आर पहलवान फॉर ट्रीटमेंट तो आपने ये जानने की कोशिश करनी होगी इस रिसर्च में कि पेशेंट क्यों किसी टाउन में जाते हैं हिप फ्रैक्चर्स के पास स्क्वैक के लिए तो ये वाई है वाई को आपको आंसर करना होगा इसी तरह वाई पेशेंट्स प्रेफर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट इन ए सी सिटी एनी सिटी तो उसमें पेशेंट्स जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को क्यों चूज़ कर रहे हैं इसी तरह का रिकॉर्ड टॉपिक आप देखें कि हाउ इज़ एंग्जाइटी एक्सपीरियंस अराउंड द क्लोक एक तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको दिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे इनको अगर आप गौर करें तो इनके जो सवाल हैं वो आपको एक डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में मिलेंगे नॉन डाटा की फॉर्म में मिलेंगे तो इस तरह की जितनी भी स्टडीज़ होंगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती हैं इनके फीचर्स ये होते हैं कि इनका डाटा नॉन नूमरिक होता है थ्योरेटिकल होता है ये नेचुरल इन्वामेंट में की जाती हैं रिसर्चर यूजुअली जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें खुद अप्रोच करता है उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर और वहाँ से जा डाटा इकट्ठा करता है और ये इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज़ सर्वेस क्वेश्चनर की शक्ल में उनसे लेगा और इसमें डेफिनेटली रिसर्चर एक की इंस्ट्रूमेंट होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ डाटा वो यूज़ करता है और क्वालिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं लाइक ऑब्जरवेश इंटरव्यूज एंड सर्वे सो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन फीचर ये है कि बेसिकली एक नॉन न्यूमेरिक स्टडी होती है मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी और लेंथी और इसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा इस्तेमाल होते हैं मेडिकल स्टडीज़ में ज़्यादातर हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को इस्तेमाल करते हैं सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च में चले जाएँ तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि वाई द पेशेंट्स इन टाउन ए बी सी विद्रैक्चर्स गो टू क्वैक फॉर ट्रीटमेंट वाई द पेशेंट्स और आप इसमें देखें कि यहाँ पर आपको मैं उसी टॉपिक को अगर क्वान्टिटेटिव मोड में कन्वर्ट करूँ तो हाउ मच पेशेंट्स हाउ मैनी पेशेंट्स इन टाउन ए बी सी fractures गो टू कैक फॉर ट्रीटमेंट सो यहाँ आप देखें कि ये how मैनी यहाँ पर आपको अब एक क्वान्टिटेटिव डाटा मिलेगा क्वांटिटेटिव रिसर्च मिलेगी तो ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है जिसमें डाटा बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव है जो वेरिएबल्स होंगे वो क्वांटिटेटिव होंगे कि हाउ मेनी पेशेंट्स किसी टाउन में कितने पेशेंट्स जो हैं जिनको हिप है फ्रैक्चर्स होते हैं तो वो क्वैक्स के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि फ़लान टाउन में इतने पेशेंट्स को हिप फ्रैक्चर्स हुए और उसमें से इतने परसेंटेज ने कोैक को ऑप्ट करना बेहतर जाना बनस्पत डॉक्टर्स के तो आपको एक परसेंटेज या रेशो मिलेगी तो एक कोंटिटेटिव डाटा होगा और कोांटिटेटिव रिसर्च होगी इसी तरह हाउ मैनी पेशेंट्स प्रेफर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ़ॉर ट्रीटमेंट इसी की हमने क्वालिटेटिव जब बनाई थी तो हमने कहा कि वाई द पेशेंट्स प्रेफर नॉन गवर्नमेंट और क्वान्टिटेटिव हम कह रहे हैं कि हाउ मैनी पेशेंट्स प्रेफर नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ़ॉर ट्रीटमेंट इन ए सी सिटी तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की इसी तरह हमने uh, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में एग्जाम्पल देखी उसी की हमने थर्ड एग्ज़ाम्पल की क्वांटिटेटिव बनाई स्टडी के मईर द लेवल ऑफ एंजाइटी अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ एनी मेडिकल कॉलेज ए तो बेसिकली ये एक कोंटिटेटिव रिसर्च होगी सो थैंक यू वेरी मच दैट्स ऑल फॉर टू वीडियो स्टेट यून हम नेक्स्ट वीक से मेडिकल रिसर्च आर्टिकल को लिखना स्टार्ट करेंगे